सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज श्याम ठाणे, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो सबसे पहले तो सारे भाइयों ने राम राम। सो बदमाश बोलू सो गाना जब मैं सुनने जा रहा, तो सारे ने आई थिंक सुने होगा पहले का। सो केडी बाई का गाना है, तो देखते हैं रैप सॉन्ग है या किदा का। लास्ट मैं एक गाना सुनया सी, तो पहला केडी बाई का, ये ना सी देसी गाने का नाम से, जो 2-3 दिन पहला आया ना, तो वो सुने से बहुत कमाल का रैप किया भाई ने। तो इस गाने की यार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मैंने, बदमाश बुलू सू गाने की, बदमाश बुलू सू। तो ये तो पहला मेरे दिमाग आ रहा है बदनाम गाबरू गाना है ना, एक एरिए हो रहा बदनाम गाबरू। सो मेरे दिमाग तो यही गाना आ रहा है, बदमाश बोलू सू गाना। सो देखते हैं गाना किमें केडी बाई का। तो इन्हें भरा मेरे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस गाने के लिए, आई थिंक गाना वधिया ही होगा। हूँ मैनू नहीं पता कि स्टोरी बेस्ड है या की है, किदा का बदमाश बोलू सू ना, नाम तो बहुत खतरनाक लग रहा है क्या ना, गाने का नाम बदमाश, तो उस हिसाब से तो लग रहा वधिया होगा। सो देखते हैं गाना, तो सारे यही रिक्वेस्ट है मेरे भरा कि वीडियो में रिस्पोंस करो, लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, सो दैट मैं होर गाने करा। एक भाई ने तो मैंने लिस्ट बना के भेज दी पूरी कि इन्ह सारे गाने से रिएक्शन करो, यार हरियाणा तो बदनाम गाबरू, फिर और भी बहुत ज़्यादा गाने से हरियाणा भी गाने से सारे। सो मैंने एक रीज़न दस्यो यार, वीडियो के सबसक्राइबर बहुत ज़्यादा ने, तो वीडियो के सबसक्राइबर नहीं, चैनल के सबसक्राइबर बहुत ही ज़्यादा ने, लेकिन वीडियो से रिस्पॉन्स इन्ना अगर घट आ रहा, मतलब व्यूज़ है ही नहीं, तुम अपने देख सकते हो आप हिसाब से, इसलिए मेरा मन नहीं करता यार गाने के रिएक्शन करने का। मैंने रीज़न दस्यो, रीज़न मैनू जरा मैंने लगता है वो शायद लगता है कि क्वालिटी नहीं आएगी वीडियो के, मतलब ग्रेन्स ग्रून्स होंगे वीडियो के करके, या वीडियो कैमरा क्वालिटी नहीं है, उस चीज़ का मैंने लगता है कि वो हो सकता है कि चांस, बाकी रिएक्शन का नहीं लगता कि रिएक्शन शायद मेरी तरफ तो कोई कमी रहती हो। सो मैंने जरूर दस्यो, अगर क्वालिटी का चक्कर फिर मैं उन्होंने इंप्रूव करा कुछ ना कुछ, वैसे कोशिश है कि थोड़े दिनों के अंदर क्वालिटी का भी समाधान हो जाए ना, ए वन क्वालिटी मिलेगी, टेंशन ना लो बस, तो बस ये कि सपोर्ट बनाए रखो। फिलहाल गाने को स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं बाकी गल डिस्कस। ओरिजिनल गाना आया मोह हरियाणवी के यूट्यूब चैनल पर, जाके चार देखो, ओरिजिनल दे रहे लिंक डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, फॉलो कर लो। तो फिलहाल करते स्टार्ट सेंट्रल जेल, बदमाशा का गाना जेल तो स्टार्ट होगा। Wanna let you know about the life of Badmas. Music ta bahut emotional ja raha hai na. Berani main kad hoya itna bekhof na to babu wali akhiya kar hai khof tab tera काले कार नम्या मैं या रोल दी जवानी ना, तो जिंदगी मैं और भी सकोप था बतेरा। काले कार नम्या मैं या रोल दी जवानी ना, तो जिंदगी मैं और भी सकोप था बतेरा। इब सांसा ते भी ज्यादा मन मौत अच्छी लग रे, मैं जेल की सलाखा मैं ते लाश बोलू सू, क्या बात। और मैं लिरिक्स सुनूंगा तो पूरे ध्यान नाल, बहुत कैंट गाना लिखा केडी भाई ने यार, मतलब घर खो दिया रे परिवार खो दिया, आख्या अगे मन मेरा यार खो दिया, केडी नाम तो कमा लिया रे काली दुनिया, मैं तन्ने सुपन्या का सारा संसार खो दिया। बहुत घना करे जावे जी घरा जान का, मेरा भी से मन मेरे बच्चा ने खिलान का, जेड़ आड़े टीकड़ा ते सूख लिया काल जार, मिल्या ना सुकून माँ के हाथा आली खान का, घर जिस ना संभाल जीऊ जोकरा की डाल रे, मैं डब्बी मैं ते काट्या होया तास बोलू सू, क्या बात है यार, मतलब सारे यूथ ते लगा के आस बोलू सू, मेरे छोटे बड़े भाइयो हाथी यारा ने ना ठाइयो, थारे भले की आ बात जम्मा खास बोलू सू, मैं
चक्किया मैं बैठा बदमाश बोलू सू मन गैंग भी बनाई गैंग वार भी करी फौज बदमाश आली क्यार भी करी पहले गांव और डिस्ट्रिक्ट में चल था नाम भाई फिर अलबार में बार भी करी बदमाशी है खेल जज्बात का पैदा जो हो हालात का भाई हो जैसे बैर फिर चाल से फैर जब जैर बना पितर में बात का भाई टोटल मिला के ये सोच का रोड़ा है थोड़ा बहुत बाकी अप्रोच का रोड़ा है बचपन तईब तक किसी मिली कोचिंग सारा का सारा ये कोच का रोड़ा है मुने बेरा है खून तेरा ताता है लाडले बदले की भावना ने भीतर तगाड़ ले रहन देना देव बदमाशी में आत्म का मान जाए गिरड़ा का छाता है लाडले छोड़ क्या न बने बदमाश मेरे भाई की ते नहर में पाओगी तेरी लाश मेरे भाई केडी जिस पे करे तू भाई भर गा यकीन तन वो मार देगा तेरा खास मेरे भाई सांस मेरे भाई जुमा थोड़ी है डोन की किस्त के दिन और जिंदगी है लोन की कानून के आधे तेरी छाती में झोल देंगे करके लोकेशन ट्रेस तेरे फोन की बॉडी ने देख तेरी रोएगी माई रे बेबे गवेगी तू आ जाना भाई रे नेम और फेम दोनों मर जाएंगे गेल तेरी भूख देने इसी को नहीं करनी कमाई रे ओहो रे कई बार काल जे मैं हुक उठे से मर जूंगा मार दूंगा कूक उठे से वो घर मेरे भाई फिर घर को नी रंदा जिस घर में या लाड लो बंदूक उठे से दूसरा के अच्छे लगे बाजते ये ढोल रे जे डाटी जावे डाट लियो गुस्से आड़ी झोल रे माँ की अखियां याड़ा पानी देख्या को नी जंदा जब आवे बदमाश कोई काट के परोल रे कई कौए केडी बच्चे सारे तने उकसाए है बदमाश बदमाशी आले गाने ने बनाए है रे मेरे गीता की वजह ते कोई फौजी क्यों नहीं बनया मने फौजिया का तंबू जिसे गीत भी तो गाए है ओह क्या बात रे मेरे गीता की वजह ते संस्कारी क्यों नहीं बने मने लाडो रानी गा के हाथ जोड़ समझाए है मेरे गीता की वजह ते गोपाल क्यों नहीं बने मने गौ माता के माड़े में हालात भी दिखाए क्या बात यार क्या बात पहली बार मतलब सो ये गाना सी केडी भाई दा लास्ट लाइन पढ़ूंगा मैं केडी लिखी सी इन्होंने एक मिनट यार सो मतलब यार द ट्रूथ ऑफ गैंगस्टर लाइफ No gangster is every happy. Don't be a gangster. Be a man. Your parents proud of you. यार मतलब रोना आ गया गाना सुन के लास्ट तो इमोशनल करता डायलॉग ने ही केडी भाई दे सो यार सब तो पहले तो सारे भरावों ने थैंक यू जिन्होंने मैंने गाना सुजैसट किया सुनने लिए मैं कदे जिंदगी से गाना नहीं सुनता यार सही गल अगर मैंने कोई सुना नहीं या तीजा बंदा मैं सुनता सो कदे नहीं सुनता जिन्होंने मैंने रिक्वेस्ट की थैंक यू यार मतलब सॉरी जे मैं इन्ना लेट गाना सुनया है इन्ने दिनों तुम कह रहे यार बहुत कमाल का गाना है केडी भाई ने ते इस गाने नू जिन्ना मैं एक्सप्लेन करा उन्ना घट हो सकता है तो मैं मतलब मेरे अंदर हूँ भी मैं कहन लगा था आई थिंक 10-15 मिनट मैं करदा कहते कहते गाने के उपर ही मतलब एक्सप्लेन करते चीज़ा बहुत मतलब यार हैट्स ऑफ टू यूर केडी भाई बहुत कमाल का गाना तुसी गाया लिखा तो उन्होंने बिल्कुल सच गल की है गाने के जी एक गल की है सच की है कि मतलब ये जड़े हथियार वगैरह होंगे कदे ना चुको चकदा एक बंदा है लेकिन भुगतना सारे परिवार को पैंता है ये चीज़ों है ना ये गल उन्होंने बिच भी कही है तो यह गल सच भी हैगी घर के 10 मैंबर है अगर उन्होंने एक जुर्म का मतलब साथ पकड़ रहा है एक जुर्म वाले काम कर रहा है एक कोई इदा के काम कर रहा है ना नशे नुशे बेच रहा है या जिदा भी गैंगस्टर वाले काम कर रहा है तो नौवां भी जुर्म लग्या होंगे तो नौवां भी भुगतनी पैंती है पंगा एक ने पाया होंगे लेकिन नौवां भुगतना पैंता ना घर फिर सारा सारा उजड़ी जाता यार घर का कुछ बचता भी नहीं है तो केडी भाई ने बड़ी घेंट मतलब लाइफ दसी है कि बदमाश बन के बस 4 दिन की फेम है और बाद कोई पता नहीं है कि कितने गोली बजानी है तो बिच उन्होंने बहुत चीज़ एक्सप्लेन की है कि मैं अपने घरदियों भी खोया इस चीज़ के कारण मेरा मन भी करता मैं भी अपने बच्चों को जावं जेल की रोटी खाने का मन करता मैं अपने यार भी खोया लाइन भी सी एक बिच है ना सो पहले तो मैं सोचा कि मैं रोक रोक के मतलब इस गाने एक्सप्लेन करा फिर मैं सोचा एक बार फ्लो बन गया थोड़ा भी गाना सुनने का मेरा भी सुनने का कट्ठा सुनेंगे फिर करेंगे डिस्कस वाली गल सो बहुत कमाल का गाना लिखा लास्ट जी गल कही है उन्हें मैंने मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल किया तो बिल्कुल सही गल कही है केडी भाई ने मैं बहुत गाने अपने भी एक्सप्लेन कर चुके हूँ गल कि लोग कहते हैं कि गाना सुन के मतलब इदा के गाने जो वॉयलेंस क्रिएट करते हैं उन्होंने गाने के नाल मतलब इंपैक्ट पैंदा यूथ
ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਬੋਤਲਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ ਨਾਲ ਮਗਰ ਨਾ ਟੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਜੀਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜੀਰੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ ਕੇੜੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕੈਂਟ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕੇੜੀ ਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਕਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੇੜੀ ਬਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੇੜੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰੇ ਲੀਰਿਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕੇੜੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਰਾਜੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੋਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈਏ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਚਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ। ਫਿਰ ਕੇੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ, ਤੰਬੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਕੇੜੀ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇੜੀ ਬਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਤਾ ਯਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੀ ਗਾਇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।